दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अरशद कामदार, बाल रोग विशेषज्ञ, 42 साल से अपनी बच्चों की हॉस्पिटल मिर्जापुर अहमदाबाद गुजरात में चला रहा हूँ। दोस्तों, आजकल लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सब लोग कंप्यूटर में, टैबलेट्स में और मोबाइल में स्क्रीन देखते ही रहते हैं। ये एक आदत सी बन गई है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कार्टून, सीरियल्स और गेम्स खेलते ही रहते हैं, और बच्चों में ये एक एडिक्शन हो गया है जो हेल्थ के लिए खतरनाक है। कितने समय तक बच्चों को उम्र के मुताबिक स्क्रीन टाइम देखना चाहिए, ये WHO के रिकमेंडेशन अब देखते हैं। 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को जरा भी मोबाइल या टीवी दिखाना नहीं चाहिए। 18 से 24 महीने के टोडलर को 1 घंटे से कम स्क्रीन टाइम देखना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को वीक डे पर 1 घंटा और वीक एंड पर 3 घंटे से कम स्क्रीन देखना चाहिए। 6 से 17 साल के बच्चे और टीनेजर 2 कलाक स्क्रीन टाइम दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के साथ देख सकते हैं। टीन्स और एडल्ट्स वीक डे पर 2 घंटे और वीक एंड पर 4 घंटे स्क्रीन देख सकते हैं। बीच में स्क्रीन ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। आजकल के बच्चे खाने पर मोबाइल की डिमांड करते हैं, जो मोबाइल ना मिले तो गुस्सा करके रोने बैठ जाते हैं और पेरेंट उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। ये गलत है, इससे बच्चों को लत पड़ जाती है और मोबाइल देखे बिना खाना ही नहीं खाते। इसलिए पेरेंट्स को गुजारिश है कि ये आदत डाले ही नहीं। ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की सोशल एक्टिविटी और स्किल कम कर देते हैं। ऐसे बच्चों में ओबेसिटी, अनियमित निद्रा, बिहेवियर समस्या, पढ़ने में कमी, सिर दर्द, गुस्सा करना और समस्या सुलझाने की स्किल में कमी आकर दिमाग फोगी बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक स्टडी के मुताबिक जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखते ही रहते हैं, उसके वर्तन में बदलाव और याद शक्ति में कमी होने लगती है, और जो बच्चे 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, उसकी ब्रेन की कॉर्टेक्स पतली होने लगती है, जो विचार और नैसर्गिक याद शक्ति के लिए जरूरी है। ऐसे बच्चे अगर लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहेंगे तो उसके वर्तन में बदलाव आएगा और OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होने लगता है। बच्चों की हेल्थ पर विपरीत असर से नींद कम, BP ज़्यादा, HDL कम, स्ट्रेस रेगुलेशन कम होने लगता है। बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिंपेथेटिक अराउजल हाई होने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। बच्चों के दिमाग की कोशिका कनेक्शन डिस्टर्ब होने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कम हो जाती है। मोबाइल के रेडिएशन से लंबे समय बाद बच्चों को ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बढ़ता है। मोबाइल कान के पास 1 घंटा रखने से 1 मिनट माइक्रोवेव ओवन की गर्मी हीट से अंदर आएगी। ज़्यादा मोबाइल देखने वाले बच्चों की आँखों में स्ट्रेन, दर्द, ड्राइनेस, धुंधला दिखना वगैरह हो सकता है। आँखों के कांस्टेंट नज़ीकी यूज से बच्चों को नियर विजन चश्मा आ सकते हैं और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से मैक्यूलर डीजनरेशन हो सकता है। लॉकडाउन में ज़्यादा घर बैठने और ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे इसके बहुत आदी हो गए, जो रोकना जरूरी है।
लेकिन कैसे, एक के बाद एक टिप्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों को आदत न डालें, खाते समय मोबाइल दूर रखें, बच्चे से बात करके उसे अटेंड करें, उसे स्क्रीन के नुकसान समझाए, स्क्रीन टाइम शेड्यूल समझाकर फिक्स करें, बच्चों को बाहर आउटिंग में ले जाए, आउटडोर गेम्स खेलने प्रोत्साहित करें, उसका ध्यान दूसरी एक्टिविटी में लगाए, गाना बजाना, डांसिंग, बाग काम वगैरह से मोबाइल से ध्यान हट जाएगा। टेक्नोलॉजी फ्री एरिया घर में ही बनाए, डाइनिंग रूम किचन सिर्फ खाने पीने और बातचीत के लिए रखे, यहाँ स्क्रीन की एंट्री बंद करें। आँखों के रक्षण के लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस, एंटी ग्लेयर स्क्रीन चश्मे का यूज़ करें। रूम में फुल लाइट रखें। स्क्रीन बच्चे की आँख से आधे से एक मीटर दूरी पर रखें। आँख से 15 से 20 डिग्री नीचे स्क्रीन रखें। बीच बीच में आँखें बंद करवाएं। ब्लू लाइट फिल्टर स्क्रीन पर लगाएं। पढ़ते समय फॉन्ट की साइज बड़ी रखें, तभी बच्चे की आँखें का रक्षण अच्छी तरह से हो सकेगा। दोस्तों, इस तरह बच्चे बड़े और बूढ़े ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन देखते रहेंगे तो उसके हेल्थ और माइंड के लिए ये डेंजरस है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक मर्यादित घंटों के लिए ही स्क्रीन टाइम देखना चाहिए। अगर बच्चे ना माने तो मैंने बताई गई टिप्स को माने और वो टिप्स अप्लाई करके आप बच्चों की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।